लोकसभा निर्वाचन पूर्व दक्षिण भारत में बीजेपी बड़ रणनीति एनडीए रे सामिल हेले जनसेना और तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी सह मिसी निर्वाचन लड़े पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू दल सीड शेयरिंग फर्मुला भी चूड़ांत हो सारी शीघ्र हो पारे विधिवध घोषणा तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण नुआ दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह को भेटी आलोचना करिबा परे आंध्र प्रदेश रे तीनी दल मध्यरे मेंटो हेबा स्पष्ट होइछि। सीड शेयरिंग फर्मुला मध्य चूड़ांत होइतबा कहा जाउछि, अर्थात तीनी दल मध्यरु किए केते आसन रे निर्वाचन लढ़िबे से नै निष्पत्ति होइ सारिछि, किंतु ए नै विधिवध घोषणा करा जाय नाही। सूचना अनुसार विशाखापाटना, विजयवाड़ा और राकू राजमपेटा राजमुंदरी तिरुपति रे निर्वाचन लड़ा को बीजेपी इच्छा जाहिर करी। आवर पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट चंद्रबाबु नायडू गारु हैड ए मीटिंग विथ अमित शाह एंड नड्डा जी अलांग विथ पवन कल्याण एंड केम टू एन अंडरस्टैंडिंग तेलुगु देशम इज जॉइनिंग इन एनडीए एंड आल्सो जनसेना इज अ पार्ट ऑफ ऑलरेडी एनडीए and they came to understand to contest with the alliance of all the three parties in the state of Andhra Pradesh in the ensuing election 2024. विकास हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। इस सब को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए स्वाभाविक है कि अलग अलग दल जो हैं वो चाहेंगे कि देश सेवा में एनडीए और मजबूत हो और जनता की सेवा और बढ़े। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।